करती हूँ आपके अपने यूपी लाइव 100 न्यूज चैनल पर। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से बने रहिए हमारे साथ यूपी लाइव 100 न्यूज पर। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। पुलिस ने 3 युवा साथी लुटेरे को किया गिरफ्तार। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद कन्नौज से। लुटेरों के पास से पुलिस ने लूटे गए मोबाइल, मोटरसाइकिल के साथ नकदी और असलाह और कारतूस किया बरामद। लुटेरे ने जिले में कई आपराधिक घटनाओं को दिया अंजाम। पुलिस के माने तो 6-7 महीने पहले ही बने ये युवा अपराधी इसके पहले बाहर रहकर करते थे कुछ काम। हमारी खास रिपोर्ट सिराजुद्दीन की रिपोर्ट। ये प्रभारी निरीक्षक इंदरगढ़ विमलेश कुमार और उनकी टीम ने 3 सातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इसमें एक सत्येंद्र ठाकुर है, एक अविनाश गुप्ता और तीसरा अमन शर्मा। ये उस क्षेत्र में कई घटनाओं को अंजाम दिए थे। इसमें 2 तारीख को थाना इंदरगढ़ क्षेत्र में इनको ब्रजभान सिंह से इन्होंने कुछ पैसे और एक मोबाइल की लूट की थी और इसके बाद इनकी तलाश शुरू हुई तो इनको गिरफ्तार किया गया। जब तो इन्होंने बताया कि ये जो कुछ दिनों पहले गुरसहायगंज में 49,000 की एक बैंक से जो पैसा निकाल के जा रहे थे तो उनकी लूट को स्वीकार किए और साथ ही एक घटना तिरवा में हुई थी मोटरसाइकिल चोरी की, जिस मोटरसाइकिल को भी बरामद किया गया है। इनके पास से 2 अवैध असलहे तमंचे बरामद किए गए हैं, 4 कारतूस बरामद किए गए हैं और साथ साथ जो लूट किया था इन्होंने मोबाइल का इंदरगढ़ में उसको बरामद किया गया है और पैसे बरामद किए गए हैं। तो इस तरह से इन्होंने कई घटनाओं को अंजाम दिया है जिसमें काफ़ी मात्रा में बरामदगी भी हुई है और इनको जेल भेजा जा रहा है। सर, क्या नई घटना का अंजाम देने के प्रयास में किया? हाँ, ये अभी कई घटनाओं की सूचना इस तरह की मिल रही थी जिसमें 3 घटनाओं का खुलासा हुआ है जिन्होंने इन्होंने कन्फेस भी किया है। इन तीनों गैंग था इनका, किस गैंग के थ्रू काम करते थे, कोई और भी सदस्य होने की आशंका? बाकी इनसे पूछताछ की जा रही है और अभी पुराना इनका कोई अभी आपराधिक इतिहास नहीं मिला है। ये पता चला कि ये कहीं बाहर रहते थे और इसके बाद ये पिछले 6-7 महीने से इन यहाँ पर सक्रिय थे और एक अच्छा काम इंदरगढ़ पुलिस ने किया है जिसके लिए इनको प्रशस्ति पत्र भी दिया जाए।